पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही आइसोलेशन में डोटासरा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब आइसोलेशन में हैं, घर पर ही वो आइसोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि कल जब खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। और अब ये खबर जहां डोटासरा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, गोविंद सिंह डोटासरा भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से लगातार उनकी मुलाकातें हुई थी और मुख्यमंत्री गहलोत जब कोरोना पॉजिटिव हुए उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने जांचें कराई हैं, कोविड के लक्षण पाए गए हैं, उसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर अब वो आइसोलेशन कर रहे हैं अपने घर पर ही। और तमाम जो कहा जा सकता है कि चिकित्सकीय जो परामर्श के साथ वो अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं और पूरी तरह अभी उनको रेस्ट डॉक्टर ने बताया है, तकरीबन 3-4 दिन उनको लगेंगे, उससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। एक तरह की एक आहट है, हम सबके लिए भी सचेत रहने का समय है। और कहा जा सकता है कि अभी क्योंकि जिस लेवल पर फिर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, चिंताजनक है और निश्चित तौर पर राजनेताओं को लेकर ज्यादा चिंता है इसलिए होने लग गई है क्योंकि ये चुनावी साल है, राजस्थान में इसी साल इलेक्शन होने हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम जो लीडर्स हैं उनको अपना लोगों के बीच में जाना भी पड़ता है, मीटिंग्स भी लेनी पड़ती है। और अभी कांग्रेस ने जो कार्यक्रम थे 6-7-8 के कार्यकर्ता सम्मेलन, संस्कार, सत्याग्रह, संकल्प कार्यक्रम थे, जिला स्तर पर कांग्रेस शुरुआत करने वाली थी, वो भी इसीलिए स्थगित किए हैं। और अभी ये खबर आई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, थोड़ी देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई थी, उस वक्त उनकी जांच का इस तरह की कह रहे थे वो बात की मैं डॉक्टर से अपनी जाँच कराऊंगा, और अभी ये खबर आई गई कि उनमें लक्षण पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम भी फर्स्ट इंडिया परिवार भी दुआ करता है कि मुख्यमंत्री गहलोत जल्दी स्वस्थ रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी स्वस्थ हों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी स्वस्थ हों और जल्दी ही रिकवरी हो जी। और इस बीमारी से बिल्कुल और यही उम्मीद की जा रही है और राजस्थान भी कोरोना मुक्त रहे, क्योंकि हालांकि जो केसेस हैं वो आए हैं और वो सही नहीं है, ऐसे में उम्मीद यही, दुआएं यही। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।